हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विथ रेफरेंस टू द मुंडा रिवोल्यूशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द मुंडा रिवोल्ट टुक प्लेस इन द ईयर 1899 टू 1900 अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा। इट स्टार्टेड विथ द चेंज इन द जमींदारी सिस्टम ऑफ खतौनी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड उलगुलॉन रिवोल्यूशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अबव इज और करेक्ट। मुंडा विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुंडा विद्रोह वर्ष 1899 से 1909 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। इसकी शुरुआत खुटकटी की जमींदारी व्यवस्था में परिवर्तन के कारण हुई। इसे उगलुलॉन विद्रोह भी कहा जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, ये जो मुंडा विद्रोह था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में 1899 से 1900 तक ये चलाया गया था। अभी हाल ही में 15 नवंबर को झारखंड राज्य का 19वां स्थापना दिवस मनाया गया, साथ ही साथ बिरसा मुंडा जयंती भी मनाई गई। 15 नवंबर 2000 को बिहार के दक्षिणी हिस्से को अलग करके भारत संघ के 28वें राज्य के रूप में इसकी स्थापना हुई, जिसका नाम पड़ा झारखंड। 15 नवंबर को एक मुंडा परिवार में इनका जन्म हुआ था। इस विद्रोह की शुरुआत मुंडा जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था खुटकटी की जमींदारी व्यवस्था के परिवर्तन के कारण हुई। बिरसा मुंडा विद्रोह को उगलुलॉन विद्रोह भी कहा जाता है। इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, तीनों सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेफरेंस टू सांभर लेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सांभर लेक इज अ वर्ल्ड फेमस रामसर साइट। इट इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक इन द कंट्री। इट इज लोकेटेड इन उदयपुर, राजस्थान। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवेन अबव इज और करेक्ट। सांभर झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांभर झील एक विश्वविख्यात रामसर साइट है। यह देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह उदयपुर, राजस्थान में स्थित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, ये जो सांभर झील है, इसे सांभर साल्ट लेक के नाम से भी जानते हैं। यह राजस्थान में है। राजस्थान में और भी कई झीलें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें है, देखिए राजस्थान में इतने सारे लेक हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उन्हें रेड मार्क किया गया है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो अन्ना सागर लेक है, यह अजमेर शहर में है। फतेह सागर लेक है, ये उदयपुर शहर में है। इसका जो नाम पड़ा था वो महाराणा फतेह सिंह के नाम पे रखा गया था। यह एक कृत्रिम झील है। ठीक है, आते हैं लूनकंसर लेक की बात करते हैं। यह बीकानेर में है। बात करते हैं नक्की लेक की। देखिए, यह अरावली रेंज में माउंट आबू के भारतीय पर्वतीय स्थल में एक झील है। ठीक है, आते हैं पंचपदरा लेक। पंचपदरा लेक देखिए, यह बाड़मेर में है। नेक्स्ट है आपका पुष्कर लेक। पुष्कर लेक देखिए, यह आपका अजमेर में है। अब बात करते हैं सांभर साल्ट लेक के बारे में। देखिए, यह भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक की झील है। यह उदयपुर में है। सांभर झील को रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है, क्योंकि यहाँ पे हजारों की संख्या में राजहंसों और उत्तरी एशिया से आने वाले अन्य पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण शीतकालीन क्षेत्र होता है, जिसकी वजह से इसे ये रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है। तो हमारा स्टेटमेंट कौन कौन सा सही है? स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, तीनों सही है। ऑप्शन सी सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विथ रेफरेंस टू मधेपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज ज्वाइंट वेंचर बिटवीन इंडियन रेलवे एंड एमएस अल्स्टॉम। इट इज कंप्लीटली इंडिजिनियस प्रोजेक्ट। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अबव इज और करेक्ट। मधेपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय रेलवे और अल्स्टॉम का एक संयुक्त उद्यम है। यह पूर्ण रूप से एक स्वदेशी परियोजना है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, ये जो मधेपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव है प्राइवेट लिमिटेड, यह बिहार में है। भारतीय रेलवे ने मधेपुर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ यह खरीद से रखरखाव समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारतीय रेलवे और अल्स्टॉम का एक संयुक्त उद्यम है। किसी भी रेलवे द्वारा दुनिया में पहली बार बड़ी लाइनों के नेटवर्क में इतनी अधिक हॉर्स पावर वाले लोकोमोटिव का परीक्षण किया जा रहा है, और इस परियोजना में लगभग 300 से अधिक अभियंता काम कर रहे हैं। 2 वर्षों की अवधि में 90% से अधिक कलपुर्जों का जो निर्माण होगा वो भारत में होगा। तो ये पूर्ण रूप से एक स्वदेशी परियोजना है। तो इसमें से हमारा कौन सा कथन सही होगा? दोनों। ठीक है, एक और दो, दोनों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विथ रेफरेंस टू ओपेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग डेवलपिंग नेशंस। इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ इट।
विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अबव इज ऑर करेक्ट? ओपेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह तेल निर्यातक विकासशील राष्ट्रों का एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है, भारत इसका एक संस्थापक सदस्य है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, जो ओपेक है ये पेट्रोलियम निर्यातक देशों के एक संगठन है। यह एक विश्व तेल आउटलुक जारी करता है। ओपेक 14 तेल निर्यातक विकासशील राष्ट्रों का एक अस्थायी अंतर सरकारी संगठन है। यह एस्टेब्लिश हुआ था 14 सितंबर 1960 में। यह बगदाद में हुए सम्मेलन में बनाया गया था। इसमें जो पहले 15 कंट्रियां थी, अभी फिलहाल इसमें 14 कंट्रियां हैं। अभी जो अलग हुआ है जनवरी 2019 में, जो अलग हुआ है कतर, ये ज्वाइंड हुआ था 1961 में। शुरू के 5 वर्षों तक इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में था। 1 सितंबर 1965 में इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में स्थापित कर दिया गया है। ठीक है, जो इसके संस्थापक थे वो थे ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला। इसके बाद धीरे धीरे कंट्रियां जुड़ती गई, लेकिन भारत उसमें शामिल नहीं है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 1 सही होगा केवल। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेफरेंस टू द रिसेंटली डिस्कस्ड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ईआईबी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1958, इट इज हेडक्वार्टर इन ब्रुसेल्स। द ईआईबी हैज रिफ्यूज द फाइनेंस फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट सिंस द ईयर 2021। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अबव इज योर करेक्ट? हाल ही में चर्चा में रहे यूरोपियन निवेश बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईआईबी की स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ईआईबी ने वर्ष 2021 में जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं का वित्त पोषण करने से इनकार कर दिया है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, ईआईबी की स्थापना 1958 में रोम की संधि के अस्तित्व में आने के बाद ब्रुसेल्स में हुई थी। ठीक है, 1968 में इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स से लग्जमबर्ग स्थानांतरित किया गया। यूरोपियन निवेश बैंक ने अपनी नई ऊर्जा ऋण नीतियों के तहत वर्ष 2021 से जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं का वित्तीय पोषण करने से मना कर दिया है। यानी देखिए, हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट सही होंगे? केवल 1 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज स्ट्रेटो लॉन्च ने 13 अप्रैल 2019 को उड़ान भरी थी। किस देश ने इस विमान का निर्माण किया था? इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रांस और नॉर्वे दोनों किस महासागर की सीमा में है? यह अटलांटिक महासागर में है। हमने आपसे थर्ड क्वेश्चन पूछा था, उल्लूर चट्टान कहां स्थित है? यह ऑस्ट्रेलिया में है। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 15 अगस्त 2019 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा कौन सा राष्ट्रीय देशभक्ति गीत जारी किया गया था? क्वेश्चन नंबर 2, पाकिस्तान ने खोला 1000 साल पुराना सवाला तेज सिंह मंदिर, यह कहां पे है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी और सियांग से जोड़ने वाली पुल का नाम क्या है? दोस्तों, आप हमें अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।